वे नाक से बोलते हैं। आज प्रस्तुत है श्री सुरेंद्र वर्मा का लिखा नाटक। तो सुनिए नाटक वे नाक से बोलते हैं। नाली आ गई गुड्डी। हाँ, बड़ी देर लगा दी। आज स्कूल में डिबेट थी नानी, हमें बताने की याद ही नहीं रही। अच्छा, मैंने अभी दूध गर्म करके रखा है। तुम्हें उठने की जरूरत नहीं, मैं ले लूंगी। ये क्या हो रहा है? अरे इस तरह छोटे छोटे कदम लेकर सधे पांव से क्यों चल रही हो? कमरा हिल रहा है क्या? अरे क्या कर रही हो? मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस, एयर हॉस्टेस के लिए तो ये बहुत जरूरी है ना। पिछले हफ्ते तक तो डॉक्टर बनना चाहती थी। उसके लिए तो अभी सालों पढ़ना पड़ेगा, जबकि इसमें बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी। फिर मजा भी कितना है, आज दिल्ली, कल लंदन, परसों न्यूयॉर्क, नसों पेरिस। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त हम एफिल टॉवर के ऊपर उड़ रहे हैं। अगर आप अपनी खिड़की से जरा झांके तो इस खूबसूरत मॉन्यूमेंट को देख सकते हैं। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा जहाज कैनेडी एयरपोर्ट पर उतरने वाला है। मेहरबानी करके अपनी बेल्ट कस लीजिए। पहले तुम अपनी बेल्ट तो कस लो। नानी। क्या क्या हुआ आज स्कूल में? पढ़ाई, खेलकूद, गप्पे। और उस मैडम की क्लास हुई आज? कौन सी मैडम की? अरे वही जो नाक से बोलती है। हाँ, विनीता क्षेत्रपाल, एलियस गुड्डी, ये पोएम तुम्हारी समझ में आई? No, then why can't you try to focus your mischievous tiny brain on the book? And when you say that horrible no to me, please, for the sake of my rather delicate nerves, don't say it as though somebody had stuck a pin into your stomach. अच्छा नानी, नानी बताओ, मुर्गी ने सड़क क्यों पार की? मुर्गी ने सड़क क्यों पार की? बताओ। नहीं बता सकती। दूसरी तरफ जाने के लिए? अच्छा अब बोलो, सर्दी में चिड़िया दक्षिण की तरफ क्यों उड़ जाती है? चिड़िया दक्षिण की तरफ क्यों उड़ जाती है? दक्षिण की तरफ क्यों उड़ जाती है? क्यों उड़ जाती है? बोलो। मुझे नहीं पता। क्योंकि वो पैदल नहीं चल सकती। इट्स सिंपल। अच्छा अब लास्ट चांस। वो कौन सा जानवर है जो आंखें होते हुए भी देख नहीं सकता और पैर होते हुए भी चल नहीं सकता? अच्छा। लेकिन उतना ही ऊंचा कूद सकता है जितनी की कुतुब मीनार। अच्छा, उतना ही ऊंचा कूद सकता है जितना कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। गुड, ये भी नहीं आता। तुम बताओ। मैं बताऊं? नुमाइश में रखा कपड़े का हाथी। लेकिन कपड़े का हाथी कूद नहीं सकता। वो उतना ही ऊंचा कूद सकता है जितनी की कुतुब मीनार, जिसके कूदने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वही वही ठीक, हमारी गुड्डी कितनी होशियार है। अच्छा नानी, बताओ तुमने दिन भर क्या किया? बस घर का थोड़ा काम। क्यों नानी, तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता ना? यहाँ तुम्हारी कोई सहेली नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। नानी, मेरठ में तुम्हारे आसपास कैसी चहल पहल रहती है। लो,
तुम्हारे लाड़ में सुई से धागा निकल गया। अब डाल कर दो इसे। लेकिन ये तुम्हारा काम तो नहीं है, आंखें वैसे ही कमजोर हैं तुम्हारी। तुम्हारी मम्मी को फुर्सत कहाँ मिलती है गुड्डी, देखती नहीं हो वो सुबह से शाम तक। सुबह से शाम तक? तुम फ्रॉक रख दो, मैं लगा लूंगी बटन, पहनना तो कल है। तुम मेरा काम तो करो, फिर एक अच्छी सी चीज दूंगी। तुम मुझे बच्ची समझती हो अभी तक? बिल्कुल नहीं, ऐसी भूल कर सकती हूँ मैं भला? नानी। लो डाल दिया सुई में धागा। ला, और वो रहा तुम्हारा इनाम, वो मेज पर रखा हुआ है। तुम्हारे पापा की चिट्ठी। मजा आ गया, पापा इतवार को आ रहे हैं, 3 दिन रहेंगे होटल में। नानी, खूब मजा आएगा, घूमना, पिक्चर, शॉपिंग, हम तो 3 रोज उन्हीं के पास रहेंगे। हाँ नानी, पापा ने तुम्हें नमस्ते लिखी है। अच्छा। माला, अरे सुन, कहाँ जा रही है? रुक ना, मैं अभी आई। नानी, मैं अभी आ रही हूँ। माँ, आओ सुमी, देर हो गई आज, एक मीटिंग चल रही थी। माँ, गैस आ गई? आ गई, दोपहर को ही। माँ, तुम थोड़ा आराम भी कर लिया करो, दिन भर कुछ ना कुछ लिए रहती हो। नींद नहीं आती सुमी, फिर अगर दिन में सो लूं तो रात को करवटें बदलनी पड़ती हैं। गुड्डी नहीं है क्या? माला के पास गई है खुशखबरी सुनाने। खुशखबरी? हाँ, इतवार को उसके पापा आ रहे हैं 3 दिन के लिए। सुमी। माँ, जरा ये पर्दा गिरा दोगी? आंखों में रोशनी भरी जाती है। अच्छा। क्या बात है, गोली क्यों ले रही हो, दर्द है सिर में? हाँ माँ, दोपहर से। माय गॉड, 3 दिन से तुम्हारी दवा पर्स में पड़ी है। क्या हो गया है दिमाग को? और माँ, तुमने भी याद नहीं दिलाई। मैंने सोचा तुम वैसे ही इतनी परेशान हो। मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए और तुम हो के उल्टे। आओ सिर दबा दो। अच्छा, इतना नहीं सोचते सुमी, मन को थोड़ा ढीला भी छोड़ना होता है, हमेशा कसे कसे रहने से। बहुत कोशिश करती हूँ माँ, पर बस जो नहीं चलता बिल्कुल। जो हो चुका है उसे लेकर उलझने से क्या हासिल होगा। तुम बहुत सोचा करती हो इस बारे में। यूं ही लगता है कभी कभी कि अगर ऐसा न होकर कुछ वैसा हो जाता तो आज। पर आज जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि गुजरे हुए में कौन सी तब्दीली हो सकती है सुमी। हाँ, हो तो नहीं सकती। हर्ष का फोन तो नहीं आया 10-15 मिनट पहले? नहीं तो। सुमी, क्या हर्ष है, अगर कुछ और सोच लो तो। क्या सोच लो? अब मैं अपने बारे में भरोसे से कह सकती हूँ। बुरा मत मानना, तुमने सुंदर के लिए भी यही कहा था। जब कहा था तो महसूस करके कहा था। मैं क्या करूं, अगर कुछ साल साथ रहने के बाद वो एहसास ही बदल जाए। इतनी दूर तक बदले, बिल्कुल उल्टा हो जाए, तो क्या
इसके लिए मैं जवाब दे। किसी ना किसी हद तक तो। माँ कैसी बातें कर रही हो? सुमी बेटी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को फिर से दोहराओ। ऐसा नहीं होगा माँ। अब मेरी खुददारी को उस तरह की ठेस नहीं पहुंचेगी, क्योंकि मेरे पास अपनी एक नौकरी है, उसका भरोसा है। ना हर्षी कहीं और उलझकर मुझसे समझौता करने को कहेंगे। देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मुझे ये उलाना अच्छा नहीं लगता। इसमें जो बड़प्पन भरा है, मुझे उससे चिढ़ होती है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तब मैं बहुत कच्ची थी माँ। और फिर वो आदमी शुरू शुरू में इस तरह अपना असर डालता है कि ये बात किसी हद तक इस आदमी पर लागू नहीं हो सकती क्या? अब मैं कम से नहीं हूं। फिर काफी वक्त लेकर अपने आप को टटोल लिया है। तो तुम्हें यही डर है कि मैं कहीं गलती पर? तुम देख रही हो वो गुड्डी से किस तरह ले रही है। मेरी अपनी भी तो जरूरतें हैं माँ। पर बेटी, उसके लिए शादी तो लाजमी नहीं। मैं उस हद तक महसूस करती हूँ कुछ जब शादी हो जानी चाहिए। हाँ वो, लेकिन लेकिन गुड्डी, मैंने उसके लिए बहुत सहा है। अगर वो मुझे थोड़ी सी हमदर्दी भी नहीं दे सकती तो फिर सब कुछ फिजूल है, सब कुछ बेकार है। तुम इतना किस लिए कह रही हो माँ? गुड्डी की वजह से? तुम्हारे लिए भी। मेरे अपने लिए ये फैसला बहुत सही है माँ। मैं बेहद अकेलापन महसूस करती हूँ। मुझे अब कुछ सहारा चाहिए। सुमी, तुम्हारी वो बात गलत निकली माँ। कौन सी? कि बेटी बड़ी होने के साथ पास आती जाती है और लड़का दूर चला जाता है। बात तो सही है, तुम्हारी बेटी ही गलत निकली। लेकिन क्यों? मैंने क्या किया है उसके साथ जो वो इस तरह सजा दे रही है मुझे? मैंने तो सालों जब्त किया है उसकी खातिर कि कहीं कोई ऐसा कदम न उठ जाए जिससे अपने पापा से बहुत लगाव है उसे, शायद इसीलिए कुछ बौखला उठी है। तो मैंने इसमें कोई रुकावट नहीं डाली? मैंने क्या कहा है उससे कि? पर कच्ची उम्र कुछ और तरह से ले लेती है ना। किस तरह से? वो तुम दोनों को एक साथ देखने की आदी रही है, इसलिए वो। लेकिन अब तो उस आदमी से मेरा कोई रिश्ता नहीं। ये जरा सी बात इसकी समझ में क्यों नहीं आती? धीरे धीरे समझेगी बेटी, धीरे धीरे समझेगी। चीजों को मान लेने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए ना। पर मेरे पास तो यही थोड़ा सा वक्त है। सुमी, सुमी बेटी। हेलो, सुमन है क्या? होल्ड ऑन मम्मी, फोन। किसका है? देख लो। हेलो। हेलो सुमी, क्या बात हुई? दोपहर को फोन नहीं किया? किया तो था। कब? कुछ देर हो गई थी, 3 बजे के आसपास। मुझे बताया गया कि तुम एक मीटिंग में हो। मैंने मैसेज छोड़ा था, तुम्हें मिला नहीं। प्लीज गुड्डी, शोर कम नहीं हो सकता क्या? ऑल राइट, मैं जा रही हूँ माला के यहाँ। दरअसल मैं कॉन्फ्रेंस रूम से निकलकर सीधी घर चली आई, अपने कमरे तक नहीं गई। ओ, क्या घर से ही बोल रहे हो? नहीं, दफ्तर से। पूरी दोपहर बाहर था, रिजर्व बैंक का काम था कुछ, शाम की डाक देखने आ गया था। तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? वैसी ही। दवा नहीं लेती हो क्या? दवा से फायदा नहीं होगा।
तो किससे होगा? तुम बताओ। हाँ, थोड़ी देर को बाहर निकलोगी? हाँ। कहाँ? कहीं भी, खुले में। मैं तुम्हें पिक के लेता हूँ। अच्छा। गुड हेवंस, ये पर्दा क्यों गिरा रखा है? यूं ही। पर कुछ वजह तो होगी ही। अंधेरा अच्छा लग रहा है। बट दैट्स अगेंस्ट नेचर। मैंने पढ़ा था कहीं कि हवा और रोशनी, ये दो चीजें जिंदगी में पॉजिटिव अप्रोच को जाहिर करती हैं। मैं खिड़की तो मैं खोलूंगी, वरना मेरा तो दम घुट जाएगा। हाँ। गुड्डी, ईस्ट एंड वेस्ट स्टोर्स के शो विंडो में नए फ्लेयर्स लगे हैं, तुमने देखे? इतवार को चलकर एक दो ले लेंगे। मुझे जरूरत नहीं अभी। इतवार को पिक्चर चलोगी कोई? मुझे तो अंजू के यहाँ जाना है, उसके भाई की शादी का रिसेप्शन है। अच्छा, एक कहानी सुनो। बहुत पुरानी बात नहीं है, कहीं एक भूत रहता था। उसे ये गलत फहमी थी कि वो अभी जिंदा है। मुझे तुम्हारी कहानियां नहीं अच्छी लगती गुड्डी। एक सुबह वो सोकर उठा और शेव करने लगा। हाथ थोड़ा हिल जाने से उसका गाल कट गया, लेकिन खून नहीं निकला। पर उसे विश्वास नहीं हुआ तो उसने आईने में झांका। वहां उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं था, नाम निशान तक नहीं। उसे अभी भी यकीन नहीं हुआ, इसलिए वो चिल्लाने लगा, गला फाड़कर पूरे जोर से। लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मुझे ऐसी कहानियां मत सुनाया करो प्लीज। मैं तो तुम्हें एंटरटेन कर रही थी। अच्छा लो, ये कहानी सुनो। नहीं नहीं, बहुत सादा कहानी है और बहुत गहरी भी। इसमें कोई डरावनी बात नहीं। एक अकेला मुसाफिर था। वो अपने ऊंट पर पीछे मासूम सा खरगोश बैठाए सहारा का रेगिस्तान पार कर रहा था। मुझे नहीं सुनना कि उसने क्या किया। तुम सुनना ना चाहकर भी उसे रोक नहीं सकती। ऐसा हुआ है, तुम्हारे पीठ फेर लेने से हालत बदल नहीं जाती। बदली हुई लग तो सकती है, अगर एक बार जिंदगी में कहीं। धूप बहुत तेज थी। सुनो गुड्डी, अगर इतवार को तुम्हें रिसेप्शन में जाना है ना, तो शनिवार को चलो। मैं वो फिल्म देखना चाहती हूँ जिसमें। खरगोश बहुत ही नर्म था। मुसाफिर ने उसे अपनी ओट में छिपा रखा था। रेगिस्तान में खरगोश नहीं होते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता, सारी बात झूठी मालूम देती है। तो अपनी तसल्ली के लिए तुम कोई भी जानवर मान लो जो रेगिस्तान में होता हो। हाँ, तो 36 घंटों के भयंकर तूफान में मुसाफिर रास्ते से भटक गया। उसके पास बहुत थोड़ा पानी बचा था। ऊंट प्यासा था और बेदम। उसमें दो का बोझ उठाने की हिम्मत नहीं थी। मुसाफिर को एक ही हल सूझा, खरगोश को छोड़ दे, अपना रहा सहा पानी ऊंट को पिला दे और किसी तरह आगे चल। ऊंट के पेट में थैली होती है जिसका पानी 4-4 हफ्ते तक चलता है। ठीक है, मान लो कि मुसाफिर 1 महीने बाद रास्ता भूला। पर 1 महीने में तो वो अपने गाँव तक पहुँच जाएगा। नहीं, रेगिस्तान 1 करोड़ मील लंबा था। लेकिन खरगोश तो बहुत हल्का होता है, ऊंट को उसे ले जाने में मुश्किल नहीं होगी। उसे थी, क्योंकि मुसाफिर खुद बहुत भारी था। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो खरगोश। बंद करो, मुझे नहीं सुननी ये बकवास। तुम्हें सुननी पड़ेगी। अगर तुम्हें ये पता नहीं कि तुम मुसाफिर की तरफ हो या खरगोश की तरफ, तो बची खुची जिंदगी की प्लानिंग से कोई फायदा नहीं। गुड्डी देखो, गुड्डी मैं तुम्हें बतलाना चाहती हूँ, लेकिन तुम ऐसी हो गई हो कि। कैसी हो गई हूँ मैं? कुछ और मैच्योर होने के बाद तुम जानोगी। मैच्योर के नाम पर मैं सिर्फ विक्टर मैच्योर को जानती हूँ, जिसकी एक फिल्म पिछले महीने देखी थी। गुड्डी, सबकी अपनी कुछ जरूरत होती है, अंदर की, मन की। और फिर जिसने शादी के रिश्ते में सिर्फ घुटन ही पाई हो, उसके लिए तो जैसे कभी इतनी तीखी होती है कि।
और फिर मैंने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया। बिल्कुल संयोग से एक ऐसा व्यक्ति रास्ते में आ गया है जो तुम उनके लिए इतनी सख्त क्यों हो? वो नाक से बोलते हैं। और सुनाओ गुड्डी, तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? तुम जानती हो कि ये बिल्कुल गलत है। तुम जिसे भी ना पसंद करती हो तो कहती हो कि वो नाक से बोलता है। अगर नहीं बोलते तो बोलने लगेंगे। तुम कहती हो कि तुम अब बड़ी हो गई हो, क्या ये समझदारी की बात है? पता नहीं, मैंने 7-8 साल बहुत सहा है। क्या अब तुम मुझे थोड़े से संतोष का अधिकार नहीं दोगी? सब सिर्फ अपने ही संतोष के बारे में सोचते हैं। तुम्हारे लिए कुछ नरम होना आसान हो जाएगा अगर एक बार तुम ये समझ लो कि तुम्हारे पापा से अब मेरा कोई संबंध नहीं है। पर मेरा तो है। मैंने कब कहा कि नहीं है? लेकिन पति पत्नी का रिश्ता दूसरी तरह का होता है। अगर ये टूटे तो फिर। पर टूटे क्यों? ओ, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? इतना समझ लो कि मैंने अपनी तरफ से साथ निभाने में कुछ उठा नहीं रखा। पता नहीं, खैर जो हुआ सो हुआ, बात तो अब की है। हाँ, बात तो अब की है। तुम जानती हो कि माँ को यहाँ अच्छा नहीं लगता, वो मेरठ वापस जाना चाहती हैं। और फिर भगवान न करे, लेकिन उनका साया हमेशा तो हमारे ऊपर नहीं रहेगा। फिर कुछ एक सालों के बाद तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगी और किसी अच्छे स्मार्ट लड़के के साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी। क्या तुम चाहोगी कि मैं तिल तिल घुटते हुए? क्यों, मिसेस चड्ढा तो अपनी कॉकर स्पेनियल के साथ इतने ठाट से रहती है। यानी मेरे कुत्ते बिल्ली के साथ रहने से तुम्हें खुशी होगी, लेकिन अगर मैं अपनी पसंद के एक... मेरे सिर्फ एक फादर हैं, मुझे स्टेप वर्ड अच्छा नहीं लगता। अच्छा ना लगना जिंदगी में किसी फैसले की कसौटी नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकती? कई बातें ऐसी होती हैं जिनकी खातिर चुप रह जाना पड़ता है। तुम चुप रहो, मैं तो नहीं रह सकती। ये जानते हुए भी कि मैंने तुम्हारे लिए... हाँ हाँ, मेरे लिए तुमने जितना किया है उसका एक मॉन्यूमेंट बनवा दो ताकि हिस्ट्री में इस बात की मिसाल रहे। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। मैं तो खुद बात नहीं करना चाहती तुमसे, मैं तुम्हारी सूरत देखती हूँ और दूर हो जा मेरे सामने से, बदतमीज। हाँ हाँ, दूर हो जाऊंगी, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। नानी, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं, नहीं, रोते नहीं। मेरा कम घुटता है यहाँ से। नानी, इसमें रोने की क्या बात है? सब बेकार है, सब फिजूल है। वे नाक से बोलते हैं। अभी आपने श्री सुरेंद्र वर्मा का लिखा यह नाटक सुना। निर्देशक थे सत्येंद्र शरद, प्रस्तुतिकरण सहायक गोपाल सक्सेना और रिकॉर्डिंग इंजीनियर भगत सिंह। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। नानी श्रीमती राजकुमारी प्रसाद, गुड्डी श्रीमती पुष्पा अग्निहोत्री, पुरुष श्री उपेंद्र सूद और सुमी श्रीमती वीना होरा। यह नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया है।